शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। किशन, 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 आज तो कमाल हो गया। अदालत ने बसंती को बाइज्जत बरी कर दिया। सच? हाँ, और जिस आदमी से बदला लेने के लिए मैं पुलिस में भर्ती हुआ था उसका भी बहुत जल्द पता चल जाने वाला है। ये रहा उसका फोटो, काश तू इसे देख सकता यार। वो तो ठीक है, लेकिन अमित तू जा यार। कमाल करता यार, इतनी बड़ी खुशखबरी दी, ना खुश हुआ ना दाद दी, उल्टा कहता जा। नहीं मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन यार तू जा। जाता हूँ मेरे भाई, जाता हूँ, जरा एक ग्लास पानी पी लूँ, बड़ी प्यास लगी। नहीं पानी वानी कुछ नहीं, माँ किशन को ताला लगा कर गई है। पानी नहीं पिलाना है तो मैं पिला यार, लेकिन झूठ क्यों बोलता है, किचन तो खुला हुआ है। तू बहस क्यों कर रहा है अमित, मैंने कहा ना तू चला जा। देखा गिर गया ना, इसीलिए कह रहा था जब तक माँ नहीं आती मैं नहीं जाने वाला। माँ ऊपर खतरे में, अरे तेरे यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं, मैं कह रहा हूँ तू जा, अब जाना जा। जाता हूँ बाबा जाता हूँ, धक्का क्यों मारता है, अगली बार बुलाएगा तो भी नहीं आऊंगा। हाँ ठीक है, ये आदमी है, पहले घर बुलाता है फिर घर से धक्का मार के निकाल देता है। माँ, माँ, शाबाश, तुम वाकई बहुत अच्छे बेटे। और मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका, तुम गए नहीं तो फिर वो जीप की आवाज। जीप के एक्सेलेटर पर पत्थर रख दिया है मैंने। माँ की बच्ची है, चलो अंदर। क्या किशन, 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 अमित तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, अमित अंदर घायल पड़ा है, उसे जाकर देखो, चल जल्दी जाओ। चल हट किशन, विक्रम सेठ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। यह रही तुम्हारी चाबी, मेरा हेलीकॉप्टर कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? इतनी जल्दी भी क्या है, आता ही होगा। उसके आते ही हेलीकॉप्टर भी तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा, इतनी जल्दी क्या है? एक कदम भी आगे बढ़ाया तो उस बच्चे को। नहीं ना, तो फेंको पिस्तौल। ये तो वही आदमी है जो मेरे बेटे को लेकर भागा था। बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? तो कौन सा बेटा? वही जो बरसों पहले तुम उसे छीन कर भागे थे। सुनिए, ये वही आदमी है जो हमारे बेटे को लेकर भागा था। इसे पूछिए ना, कहाँ है हमारा बेटा? बोल बोल, कहाँ है मेरा बेटा? ये अपने बेटे की फिक्र पड़ी है, मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। मुझे नहीं मालूम तेरा बेटा कौन है और कहाँ है। लेकिन मुझे मालूम है जग्गी। तू तो अपने पुराने दिन भूल गया, लेकिन मैं नहीं भूला। 300 रुपए में तूने इसके बच्चे का सौदा मुझसे किया था। बच्चों का सौदा करने का तुझे बड़ा शौक है ना, चल आज कर ले अपने बच्चे का सौदा। लेकिन मेरा बेटा है कहाँ? जग्गी, आगे नहीं बढ़ेगा। लो, मिलो अपने बेटे से। ये क्या हाल कर दिया मेरे बेटे का तुमने? जरा ज्यादा शरारत कर रहा था तो क्लोरोफॉर्म सुंघा कर मैंने थोड़ी देर के लिए सुला दिया इसको। लड़ी बास्टर्ड, जल्दी करो पास्कुल, इसका बेटा इसके हवाले कर दो। रुक जाओ विक्रम सेठ, इसका मेरा पुराना हिसाब बाकी है। लेकिन ये तो बताओ मेरा बेटा कहाँ है, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। बेटा चाहिए तो कीमत चुकानी पड़ेगी, कीमत। अब बताओ कहाँ है मेरा बेटा? बस 4 चूड़ियां,
पास कॉल जल्दी करो, ये क्या तमाशा है? पुलिस मेरे पीछे। एक मिनट विक्रम सेठ, ये मंगलसूत्र क्यों गले में पहन रखा है? क्या ये तुमको तुम्हारे बेटे से जास्ती प्यारा? नहीं, नहीं। ये मंगलसूत्र मेरे सुहाग की निशानी है, मैं इसे किसी कीमत में भी अपने से जुदा नहीं होने दूंगी। तेरा सुहाग मैं हूँ, ये सोने के टुकड़े और ये कच्चे धागे नहीं। इन कच्चे धागों में तुम्हारे सांसों की डोर अटकी है विक्रम सेठ। सुहाग की इस निशानी को मिटाओगे तो खुद भी मिट जाओगे। ये लो मां। अमित, इसे मालूम है कि मेरा दूसरा बेटा कौन है और कहां है? मालूम है, सब मालूम है। क्या मालूम है? क्या मालूम है? बता, मेरा भाई कौन है? बता, नहीं तो जान से मार डालूंगा। बताता हूँ, सब बताता हूँ। अमित, अमित तुम्हारा भाई है। मेरा भाई, भाई। अमित, मेरा बेटा। रुक जाओ, कहाँ जा रहे? अरे भाई, टेलीफोन उठाने जा रहा हूँ, कोई बम लगाने नहीं जा रहा हूँ। हमारा आदमी हेलीकॉप्टर में बम लगा रहा है। आपके ऑर्डर के मुताबिक इंजन स्टार्ट होने के ठीक 10 मिनट के बाद बम फट जाएगा। लो भाई विक्रम, ओल्ड एयरपोर्ट में मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा हुआ है। तुम जाना चाहो तो जा सकते हो। अगर किसी ने हिलने की कोशिश की, मैं गोली मार दूंगा उसे। रुक जाओ। बाहर जाने की कोशिश मत करना पिताजी। मुझे जाने दे बेटे। अगर मैंने रुका तो तू मुझ पर गोली चलाएगा? नहीं नहीं, तो मुझे गोली नहीं चला सकता, क्योंकि तेरी रगों में मेरा खून दौड़ता है। वो खून तो बहा दिया आपने, और उसकी कीमत भी वसूल कर ली, सूद के साथ। हम तो इस औरत के बेटे हैं जिसे जिंदगी भर आपने अपनी पत्नी नहीं माना, जिसके सुहाग का सौदा करने के लिए तुले हुए थे आप। क्या है? चप्पल। कौन सा? कोलंबिया। नंबर? 6। 6 नहीं, 6 नौ 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 कालिए नौ। अमित, अमित, जल्दी जल्दी करो, जल्दी। जिंदगी में आखिरी बार फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारी यहां चिता जलेगी और तुम्हारे मां बाप के हेलीकॉप्टर में, क्योंकि मैंने उसमें टाइम बम लगा दिया है। अमित, अमित, मां को बचा। अमित आओ मेरे साथ।
ट्रक बीच में फंस गया। कार का एक्सीडेंट हो गया। क्या? तो इधर शहर में आता हूं। माँ 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 तू ठीक है ना? माँ तेरे पिताजी कहाँ हैं? पिताजी जरूर वो हेलीकॉप्टर से, लेकिन उस हेलीकॉप्टर में तो जग्गी ने टाइम बम रखा है। क्या? हाँ माँ, टाइम बम। हाँ बेटी, किसी भी तरह अपने पिताजी को बचा लो। लेकिन माँ तू मेरी फिक्र मत करो, किसी भी कीमत पर मेरे सुहाग को बचा लो बेटे। मेरे सुहाग को बचा लो। चल किशन, चल बाईस बाईस किशन।
है। को इतना बेवकूफ समझ रखा है तो वो तेरी बातों में आ जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, इसमें टाइम बॉम्ब है। धीरे धीरे आंखें खोल दो। That's right. माँ, माँ मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, माँ मैं देख सकता हूँ। अमित, वो कौन है जिसने मुझे आंखें दी? वो जिंदा है? वो जिंदा है? हाँ किशन, अगर वो जिंदा है तो किस तरह उसने मुझे आंखें दी? किस तरह? डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अगर किसी को कॉर्टिकल ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो अपनी आंखें दूसरे को दे सकता है। अमित, मुझे उससे मिला ताकि मैं उस मेहरबान का शुक्रिया तो अदा कर सकूं। शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं बेटा। आप, वो तो कर्ज था मुझ पर। तुम्हारी आंखें मैंने छीनी थी ना, उन्हें लौटाकर मैंने कर्जी तो अदा किया।